हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं फ्लैश के अंदर किस तरीके से हम अट्रैक्टिव एनिमेशंस तैयार कर सकते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक रेड लाइट क्रिएट की हुई है। इस तरीके से हम एक एनिमेशंस के अंदर डिजाइन करेंगे। कंट्रोल प्लस एन से आपको एक पेज लेना है, उसके बाद आपको जो पेज है उस पर राइट क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, आपको बैकग्राउंड कलर में क्या कर देना, ब्लैक कलर और ओके। आपका जो पेज होगा वो ब्लैक कलर में हो जाए। ये जो लेयर वन लिख के आ रही है दोस्तों, मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेड। ठीक है, मैंने क्या काम करा, एक सर्कल लिया। फिल के अंदर आपको ध्यान रखना है व्हाइट कलर लेना है। आउटलाइन में आपको लेना है रेड कलर और एक सर्कल को ड्रॉ करना। ठीक है दोस्तों, अब इसका जो स्ट्रोक आ रहा है, आउटलाइन आपको दिख रही है, आपको जाना है नीचे प्रॉपर्टीज। आपको आउटलाइन पे क्लिक करना है। आउटलाइन जो यहाँ पे वन लिखा आ रहा है, इसको आप फाइव, आउटलाइन थोड़ी सी आपकी बोल्ड हो जाए, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ सेलेक्ट कर। फिर कंट्रोल सी ब्रेक, हम यहाँ से न्यू लेयर लेंगे। कंट्रोल वी पेस्ट, इसको उठा के प्रॉपरली मैं इसके नीचे एडजस्ट कर लूँगा। इसका जो आउटलाइन है इसको हम कर लेते हैं ये, सॉरी दोनों एक साथ सेलेक्ट हो गए। आपको लेयर वन टू पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको आउटलाइन चेंज करना है इस तरीके। फिर आपको एक और लेयर इंसर्ट करना है। कंट्रोल पेस्ट, किसको भी आप मूव करोगे। फिर लेयर थ्री पे क्लिक करना, इसका जो आउटलाइन आ रहा है वो आपको ग्रीन मिलेगा। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें टाइमलाइन हम सेट करेंगे। मैं 15 का टाइमलाइन लेता हूँ। मैं 15 टाइमलाइन को सेट किया, सिक्स बटन को प्रेस करना। इसके बाद जो रेड वाला दिख रहा है आपको, रेड के टाइमलाइन के 15 के एंड में क्लिक करना है, और इसके अंदर जो वाइट कलर है इसको आप रेड कर दो। फिर मैंने 15 के डिस्टेंस पे 30 पे लिया फ्रेम, F6 किया। अब जो यहाँ पे रेड वाला था हमारे पास, इसको हम कर देंगे वाइट, और सेकेंड वाला जो टाइमलाइन है आपका इसको मैं कर देता हूँ। मैं इसका नाम बदल देता हूँ जिससे आपको इजी रह सके। हेलो, इसका मैंने नाम दे दिया ग्रीन। ठीक है, अब चलते हैं हम थर्ड टाइमलाइन F6। अब जो थर्ड ग्रीन वाला है उसके पे टाइमलाइन, लास्ट टाइमलाइन पे क्लिक करेंगे। उसमें जो येलो कलर है उसको कर देंगे हम ग्रीन, और जो येलो वाला पॉइंट था हमारा उसको कर देंगे हम वाइट। ठीक है, एक बार हम एंटर करके देखते हैं। रेड ग्रीन येलो स्टॉप हो गया। कंट्रोल एंटर करते हैं, प्ले मूवी होता है कंट्रोल एंटर आपका। अब ग्रीन के बाद के एकदम से रेड पे पहुंच रहा है आपको, देखिए। तो हम इस टाइमलाइन को थोड़ा सा टाइम देते हैं। कंट्रोल एंटर, ग्रीन हमारा थोड़ा होल्ड रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे तीनों के तीनों ब्लैंक हो रहे हैं। तो आपको जो फर्स्ट वाला टाइमलाइन होगा रेड का, उसके अंदर आपको रेड कलर फिल करना है, कि जैसे ही वो वहां पहुंचे तो उसके अंदर आपका रेड कलर ऑटोमेटिकली फिल अप होना चाहिए इस तरीके से। तो दोस्तों, ये आपका बहुत ही इजी स्टेप थे, इस तरीके से आप सिंपल फ्लैश के अंदर अट्रैक्टिव एनिमेशन तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।